आंटी मैं कुछ दिन आपके यहाँ रहूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं किट्टू, पर हुआ क्या? पापा, ये बैग भरना है। आया। कक्कू, अरे ये बैग। हाँ, एक सेकंड बैठता हूँ। कक्कू नाश्ता। हाँ, लाया। ये तुम्हारा नाश्ता और ये तुम्हारी चाय। आराम से। मम्मा छोटी, मेरी छोटी बना रही है। कक्कू, प्लीज छोटी। पापा मेरा नाश्ता। हाँ, देता हूँ। गरम। आराम से। एक सेकेंड बस बन गई। तुम दूध पियो फटाफट। अरे अच्छा चलते अच्छा, ये मैं रास्ते में बना दूंगा। चलो। ओह माय गॉड, चलो फटाफट। मेरी जैकेट यहाँ उधर है। चलो। किट्टू क्या ले रहा है? डब्बा खोल। कभी तो तेरे मम्मी को बोल तुझे टिफिन में कुछ अलग देने के लिए। हार गई ना मेरे शब्द से बैठ। मैंने तो पहले ही बोला था कि तू आज भी टिफिन में पराठा लाएगी। लाला चॉकलेट दे, फालतू की बैठ लगाई तूने। मुझे तो पहले से ही डाउट था। ले मेरे टिफिन से अब पास्ता खा ले। कैसा था आपका दिन? अच्छा था। बोलो क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। बता क्या चाहिए? मम्मी प्लीज आप मुझे टिफिन बनाकर दिया करो ना। पापा रोज मुझे पराठे ही बनाकर देते, कभी आलू का, कभी मेथी, कभी गोभी, कभी पनीर और कभी पालक, पर हमेशा पराठे ही देते हैं। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ रोज कितने अलग अलग डिशेस बना के देती हैं। पापा हमेशा पराठा ही देते तो सब हंसते हैं मुझ पे, बेट भी लगाते हैं कि किट्टू के टिफिन में आज भी पराठा ही निकलेगा। प्लीज ना मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा पापा है ना दुनिया का सबसे बेस्ट पराठा बनाते, इसीलिए तुम्हें वो रोज पराठे ही खिलाते। और तुम्हें तो पता है ना मामा का नया शूट शुरू हुआ है, नई सीरियल है, इतने सारे घंटे काम करके मामा थक जाती है बेटा। तो आप काम छोड़ दो ना मामा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। पापा क्यों काम पे नहीं जाते, वो क्यों घर पे रहते हैं? यामिनी भाभी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए ना। हमें बताइए तो सही कि किट्टू ने आपको ऐसा क्या बोला कि आप इतनी परेशान हो गई? दुविधा में हूँ, दुविधा। जिंदगी की कश्मकश से अकेली जूझ रही हूँ, इसीलिए सोचा सहेलियों संग बांट लूं मन की बात। चंद आंसू आंखों से बहाकर होगा दिल का बोझ हल्का और कर लूंगी मुस्कानों से फिर मुलाकात। बस यामिनी भाभी बैठ जाइए। आपकी भावनाएं समझ में आ गई है, लेकिन भाषा भी समझ में आती तो थोड़ा लेजी होता। इजी। हाँ वही सेम टू सेम। वन्ना बहन, ज्योति बहन, पति पत्नी दोनों में से किसी एक का काम करना जरूरी होता है ना, वरना घर कैसे चलेगा?
मैं काम करती हूँ तो दक्कू घर संभालता है, और मैं लकी हूँ कि दक्कू ये सब बिना किसी झिझक के, बिना किसी ईगो के करता है। दक्कू मुझे संभालता है, किट्टू को संभालता है, साई दर्शन हाइट्स को संभालता है, और मुझे मुझे ना अच्छा लगता है। मैं बाहर जाके काम करके घर की आर्थिक स्थिति को संभाल रही हूँ, लेकिन मेरे काम ले लेने से किट्टू की जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो दो दो बजे तक मेरा इंतजार करते करते सोफे पे ही सो जाती है, मेरे हाथों से खाना खाने के चक्कर में खाना ही नहीं खाती। दस दस बार शूटिंग पे फोन करती है, मामा आप कब आओगे, आई मिस यू। कभी कभी तो उसका फ्रस्ट्रेशन दक्कू पे भी निकल जाता है। मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रही हूँ, लेकिन बच्चे पैदा करना या उनको अडॉप्ट करना काफी नहीं है, उनकी अच्छी परवरिश के लिए पैसे भी जरूरी होते हैं ना। चाहे वो स्कूल फीस हो, उनकी स्पोर्ट्स फीस हो, एनुअल फीस हो, पिकनिक फीस हो, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस, स्पोर्ट्स, या फिर उनके अपने खर्चे, उनके अपने शौक, सबके लिए पैसा लगता है। कहां से आएगा ये पैसा? दक्कू दुनिया का सबसे बेस्ट पति है और बेस्ट पिता है, लेकिन साल भर में वो जितने भी केसेस लड़ता है उससे आने वाली इनकम काफी नहीं है घर चलाने के लिए। अब ये सब मैं किट्टू को कैसे समझाऊं? उसके माँ का काम करना बहुत जरूरी है, उसके पापा नहीं मैनेज कर सकते घर चलाने का खर्चा। अरे सही है। दक्कू भाई जल्दी चलिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का टाइम अलॉटेड होता है। प्रणाम अन्ना भाभी। हम लेट हो गए ना, तो वेट करना पड़ेगा। और वो अथर्व विद्यु चले भी कहे चलिए। सर सर। पापा क्यों चल रहे हो मेरे साथ? मम्मा नहीं जा सकती थी ना? हाँ। मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। किट्टू वो चलिए, लेट हो रहा है ना। किट्टू लेट्स स्टार्ट विद मिसेस जोशीपुरा। मैम, मिसेस जोशीपुरा नहीं, मिस्टर जोशीपुरा। साइलेंस, सॉरी मिस्टर जोशीपुरा, आप प्लीज आइए। हाँ, किट्टू। हैप्पी बर्थडे अनन्या। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। तूने तो कहा था कि बर्थडे पार्टी में तेरी मम्मी आने वाली है, ये तेरी मम्मी है क्या? अच्छी चाय है। थैंक यू। तो चवा ए यामिनी भाभी की हाथ की चाय मिली। वरना जब इधर आते ना तो ए झालर की हाथ की पानी वाली चाय पीने मिलती है। क्या हर्षद भाई। वैसे यामिनी भाभी, आपकी शूटिंग शुरू हुई है ना, तब से साई दर्शन में आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। वाह 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 वाह। हां ज्योति भाभी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे सीरियल को, बस काम यूं ही चलता रहे। जरूर चलेगा यम। अरे क्या किट्टू, बोलो। पता है इंटर स्कूल इलोक्यूशन कंपटीशन में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्या? मुंबई में जितने स्कूल है ना उनमें से सिर्फ 5 बच्चे जाएंगे और मेरे स्कूल में से सिर्फ मैं सिलेक्ट हुई हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। टॉपिक पता क्या है? क्या? मेरी माँ। क्या हुआ? पापा टॉपिक है मेरी माँ, मतलब मेरी मम्मा। पापा मैं अपनी मम्मा के बारे में तभी कुछ बोल पाऊंगी ना
जब आप मम्मा को मेरी मम्मा बनने दोगे। किट्टो को कुछ ज्यादा ही रूढ़ हो गई थी दक्कू भाई के साथ। बच्चे कभी कभी रूढ़ हो जाते हैं माँ बाप के साथ, रहा शायद उन्हें रियलाइज नहीं होता कि अनजाने में वो अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। अथर भी तो ऐसे ही बिहेव करता था मेरे साथ जब वो किट्टू की एज का था। एम्बैरस होता था कि उसके सारे क्लासमेट्स की मम्मियाँ काम करती हैं और मैं एक हाउस वाइफ। अपनी क्लास में झूठ भी तो कहा था उसने कि मेरी मम्मी भी काम करती है। घर संभालना, परिवार संभालना कितना बड़ा काम है ये उसे समझाना पड़ा था, तब जाकर उसे मेरी वैल्यू समझ में आई। किट्टू के साथ भी अभी यही हो रहा है दक्कू भाई को लेकर। आई जस्ट होप कि जैसे तुमने अथर्व को समझाया था ना, वैसे ही यामिनी भाभी किट्टू को समझाएं कि दक्कू भाई जो काम करते हैं वो कितना जरूरी है। नहीं दक्कू, अभी हम किट्टू को ये नहीं समझा सकते कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। वो अपने माँ को मिस कर रही है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम उसका सारा काम मुझे करने दो। इनफैक्ट मैं तुमसे वचन चाहती हूँ, अगले कुछ दिनों के लिए तुम उसका कोई भी काम नहीं करोगे, सारा काम मुझे करने दोगे। देखो जो सिंगल मदर्स होती हैं, वो तो अकेले सब मैनेज कर लेती है ना? यार, अरे इसमें सिंगल मदर कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ना हमेशा से लगता है कि तुम हो और तुम सब मैनेज कर लोगे, इस चक्कर में मैं सारा काम तुम्हारे ऊपर सौंप देती हूँ। और वो माँ नहीं बन पाती जिसकी किट्टू को जरूरत है, इसलिए कुछ दिनों के लिए किट्टू को ये लगने दो कि उसके लिए उसकी माँ है। फिर देखना उसका मन शांत हो जाएगा और उसका रवैया भी बदल जाएगा तुम्हारी तरफ। Oh my God! एक फिर क्या हो दक्कू भाई, क्या जरूरी बात करनी थी आपको बताइए तो। ओह माय गॉड, अरे अरे ओह माय गॉड। जोरा भाई क्या नाचना बंद कर और बोल, अर्जेंटली क्यों बुलाया तूने? वचन बंद करके यमने बांध दिए हैं मेरे हाथ। रोज देखता हूँ अजब दृश्य, दूर खड़ा हताश। अरे वाह, ओह माय गॉड। वन्ना भाभी क्या बताऊं अपने मन की व्यथा, काल चक्र के पहिए में जो व्यवहार मेरे रोम रोम में है बसा। अपनी बेटी का हर काम आंख मूंद कर सकता हूं, पर अपने घर में होती गड़बड़ को बस दूर खड़े ताकता हूं। ओह माय गॉड। बस बस दक्षेश भैया, आपकी भावनाएं समझ में आ रही है, लेकिन आपकी भाषा भी समझ में आएगी तो थोड़ा इजी होगा। पिछले एक हफ्ते से ये मुझे किट्टू का और अपना कोई काम नहीं करने दे रही, और उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। उसका कोई कसूर ही नहीं है क्योंकि वो तो शूटिंग में व्यस्त रहती है, पर उसी के कारण सारी गड़बड़ हो रही है। शूटिंग में व्यस्त होती है तो वो घर लेट आती है, घर लेट आती है तो किट्टू को होमवर्क शूटिंग से आने के बाद करवाती है, जिसकी वजह से किट्टू को सोने में और अगले दिन उठने में लेट होता है। उसकी वजह से स्कूल की बस मिस हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी में वो किट्टू को टिफिन में वो ब्रेड जैम इंस्टेंट नूडल बनाकर देती है। किट्टू की यूनिफॉर्म कभी प्रेस नहीं होती, अगले हफ्ते किट्टू के क्लास टेस्ट होने वाले, उसकी कोई तैयारी नहीं हुई है। और आज आज किट्टू की क्लास में रोमन एम्पायर पर फैंसी ड्रेस हो रहा है। यम को किट्टू को तैयार करने जाना था, पर यम अभी तक शूट से निकली भी नहीं है। ओह माय गॉड। और इन सब के बीच मैं खुद को हताश निराश खड़ा देखता हूं। कभी कभी तो मन करता है कि जोर से चिल्ला दूं, यम
हाँ यम बोलो। दक्कू सुनो। क्या हुआ यम, परेशान क्यों लग रही हो? दरअसल मुझे किट्टू के स्कूल पहुंचना था उसे तैयार करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना एक रेशूट आ गया और मेरा यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है, और वहाँ स्कूल में तो बच्चे तैयार भी हो गए होंगे। दक्कू प्लीज संभाले ना, देखो घर में ना मेरे मेकअप का सामान पड़ा है, वो ले जाओ और किट्टू को रेडी कर दो। दक्कू हमें तुम्हारी जरूरत है, किट्टू को तुम्हारी जरूरत है। यम तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभालता हूँ। टकरा जाएंगे आपके दरवाजे पे जाकर सीधा। पापा, आपको आने की क्या जरूरत थी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.